प्रदेश के शिक्षकों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। वो इसलिए कि कुछ सालों से भीषण गर्मी में होने वाले आवासीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर अब नहीं होंगे। जी हां, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि शिक्षकों को अब ग्रीष्म अवकाश में प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण भी अब गैर आवासीय होंगे और प्रशिक्षण चालू शिक्षा सत्र में ही करवाए जाएंगे। इसके लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्री डोटासरा ने शिक्षा विभाग की विशेष समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिक्षकों की शिक्षण आवश्यकताओं, बच्चों के सीखने के स्तर और वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी स्तरों पर सुनिश्चित कराने को ध्यान में रखते हुए करवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के हिसाब से यह शिविर आयोजित किए जाएंगे। सबसे मोटा तो अब लोग जो माध्यमिक और एलिमेंट्री शिक्षा का जो स्टाफिंग पैटर्न है उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि कहाँ कितने पदों की कहाँ क्या आवश्यकता होगी, कितने छात्र संख्या के अनुपात में कितने टीचर्स उस विद्यालय में चाहिएंगे, तो उसको हम करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जो गर्मियों में प्रशिक्षण हो रहा था तो उसको हमने इस बार गर्मियों की छुट्टियों में प्रशिक्षण नहीं कराने का निर्णय लिया है। और हमने ये निर्णय लिया है कि इसको हम चालू विद्यालय के समय में ही कराएंगे और गैर आवासीय ही कराएंगे।